हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज़ की स्लीव जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसके साइड में जैसे फुगा आता है या प्लेटें पड़ती है तो वो क्यों आती हैं, उसके बारे में डिटेल्स में आज मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप पूरा देख लो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे स्लीव्स में जैसे यहाँ पे पहनने के बाद प्लेटें क्यों आती है, चुन्नटें क्यों आती हैं या रिंकल्स पड़ते हैं या फुगा आता है, तो ये क्यों आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हर एक किसी का तरीका जो है वो अलग अलग होता है कटिंग करने का। मैंने फिर बहुत बार बताया भी है, जैसे जब आप कोई कोई क्या करता है, जैसे एक चैनल की मेजरमेंट देखी, दूसरे का कटिंग देखने के बाद तीसरे चैनल की जो गुलाई है, जो जो सिंपल लगता है वो ब्लाउज़ में चेंजेस करते हैं। लेकिन जो अलग अलग तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ जो है वो परफेक्ट नहीं आएगा। तो हमेशा क्या करना है आपको, एक ही जनों की कटिंग देखनी है और आपको कटिंग जो है वो परफेक्ट करनी है। उसके बाद उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है वो आपको बताना है। उसके बाद वो प्रॉब्लम जो है वो क्यों आता है, क्या गलती हो गई है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका ब्लाउज जो है वो ब्लाउज की कटिंग और फिटिंग भी आपकी अच्छी आ जाएगी। तब देखिए यहाँ पर जो प्लेटें आती है वो क्यों आती हैं, जैसे कमर का नाप लेते हैं हम, कमर का नाप लेते हैं तो कमर का नाप हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ के कमर का नाप निकालते हैं। जैसे एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ दिया और कमर का नाप लेना है, ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है, एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ देते हैं और हम कमर का नाप निकालते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको कमर का नाप जो है वो नापना है। अब देखिए 33.5 इंच हमारे कमर का नाप आता है, 33.5 इंच कमर का नाप आता है, यानी कि 30 इंच के आगे आपका कमर का नाप जाता है। 30 इंच के आगे आपका कमर का नाप जाएगा तो यहाँ पे जो गोलाई आपकी देते हैं तो ये गोलाई में आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे बैक साइड की गोलाई आपको 2 इंच पे देनी है और फ्रंट साइड की गोलाई आपको 1 इंच पे देनी है। जैसे बैक साइड की गोलाई आपको 2 इंच पे देनी है और फ्रंट साइड की गोलाई आपको 1.5 इंच पे देनी है। इससे क्या हो जाएगा, जैसे आप कम या 1 इंच पे देंगे, आधा इंच पे देंगे तो ये फिटिंग जो है वो अच्छे से नहीं बैठेगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब भी हम गोलाई देते हैं वो कमर के हिसाब से देते हैं। इससे ये देखिए 30 इंच के अंदर, ये जो 30 इंच है, 30 इंच या 30 इंच के अंदर यहाँ तक आपका होगा या इसके अंदर होगा आपका जो नाप आता है कमर का, तो आपको यहाँ पे 1 इंच पे जैसे फ्रंट साइड की गोलाई जो है वो आपको 1 इंच पे देनी है और बैक साइड की गोलाई आपको 1.5 इंच पे देनी है। इसका आपको ध्यान देना है। इससे क्या हो जाता है, जो गलत तरीके से जैसे ब्लाउज़ का नाप बड़ा होगा और आपकी गोलाई इस तरीके से आएगी तो वो खींचा हुआ लगेगा या ठीक से नहीं बैठेगा या यहाँ पर आपकी प्लेटें आएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे 30 से अंदर ब्लाउज़ का नाप होगा, कमर का नाप होगा, तो आपको गोलाई 1 इंच और 1.5 इंच पे रखनी है। और जब हमारा 30 के आगे ब्लाउज़ कमर का नाप होगा तो आपको 1.5 इंच और 2 इंच पे इसकी गोलाई रखनी है। इससे क्या हो जाएगा, इसकी फिटिंग भी अच्छी आ जाएगी और आपका ब्लाउज़ के हिसाब से हम जो गोलाई देते हैं वो भी आप देंगे। तो यहाँ पे आपको इसका बहुत ज़रूरी है उसका ध्यान देना। आप बना सकते हैं, जैसे हम कटोरी का नाप निकालते हैं, हमें पहले कमर का नाप तो हम ले लेते हैं, जैसे चेस्ट का नाप निकाला, शोल्डर का नाप निकाला, कमर का नाप तो चेस्ट से कमर का नाप तो कम ही रहता है। इससे पता चल जाता है आपका कमर का नाप कितना है, 29 इंच है, 29.5 है, 30 है, तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे बैक साइड और 1 इंच पे फ्रंट साइड, और 30 से आगे होगा तो 2 इंच पे बैक साइड और 1.5 इंच पे फ्रंट साइड, ऐसा आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये गोलाई जो है कैसे देनी है, हर एक का तरीका अलग अलग होता है। कोई कोई ऐसे तरीके से ऐसे जो गोलाई होती है गोलाई के हिसाब से आपको देनी है, देते हैं, तरीका अलग अलग होता है ये गोलाई देने का, जो हर एक को कभी कभी हर साइज़ को एक ही जैसी गोलाई देती है उसमें भी ये गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कमर के हिसाब से ये गोलाई देनी चाहिए, तो आपकी गोलाई और आपका ब्लाउज जो है वो परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है इस वीडियो में। जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको समझाऊंगी। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।